अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक ठाक हो? तबीयत से ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे कंप्रेसर का पैनल कैसे तैयार होता है। ये कंप्रेसर जो इसके ऊपर पूरी ऑपरेटर पूरी जो इसके इलेक्ट्रॉनिक्स और पूरी है ना, ये इसके ऊपर लिखी हुई है। इसका पहले हम लोगों ने ये पैनल यूज़ किया, कनेक्टर चला। जो इसके अंदर पैनल लगा था ना, हमारा नया जो सेटअप में पैनल लगा था उसमें क्या था, जो हमारा कनेक्टर लगा था ना वो था 223 फेज का, 220 का था सॉरी। ये क्या, जो हमारी ये मोटर, ये कनेक्टर 380 का, हम लोगों ने ये यूज़ किया, ये अच्छा चल रहा है। वो सेम बॉडी है, सब कुछ सेम है, खाली पावर का लग गया। ये पावर लग गई जो मोटर ले रही है वो ले रही है 380। इन लोगों ने क्या किया, ये नया मॉडल आया ना, जो नया मॉडल का पैनल इन लोगों ने तैयार किया, उसमें जो न्यूट्रल की तार है ना, एक फेस 380 का दिया कनेक्टर को, एक दिया न्यूट्रल का। ये 3 फेस ही क्या 8 है, 380 का फेस जो आता है, ये न्यूट्रल को उन लोगों ने दे दिया, उसको जो उसको 220 का बना दिया कनेक्टर को। और ये वाली मोटर को, ये वाला कनेक्टर जो पैनल है, ये वाला पैनल है, ये जो कंप्रेसर पड़ा हुआ जो अभी हम लोग तैयार कर रहे हैं, ये उसके ऊपर लगा हुआ पूरा पैनल है। अभी जो हम लोग बनाने के चक्कर में हम लोग ही बनाएंगे, आपको दिखाएंगे दोबारा कैसे तैयार किया। इसका सेम हम बनाएंगे इसको पूरा। ये जो है, ये इसका ये कंप्रेसर है, ये जो कंप्रेसर लगा, ये मोटर के लिए, ये पहले मोटर बंद हो जाती थी, गर्म होती थी, अभी बंद नहीं होगी। ये वाला इसका है पूरी सेटिंग, पूरी हर चीज़ इसमें होगी। अभी इसका सेम तैयार करके फिर आपको दिखाएंगे हम लोग कैसे तैयार करते, इसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्या नहीं पड़ती।